हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल हूँ। आज हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2x2 के फॉर्म के लिए भी देखेंगे और 3x3 के लिए भी देखेंगे। ओके, तो 2x2 में कैसे होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसके अंदर करना क्या होता है आपको कि उसका को फैक्टर फाइंड करना होता है। द मैट्रिक्स ऑफ द को फैक्टर इज तो मीन्स इसके को फैक्टर फाइंड करने के। अब आप बोलोगे सर को फैक्टर कैसे फाइंड करने के। देखो, को फैक्टर में क्या होता है कि पहले एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, आपको समझ आया, इजी है, बहुत इजी है। मैं लिख दिया, पूरा बॉक्स बना दिया। अब क्या करूँगा मैं, देखो सबसे पहले मुझे 2 को प्रेस करना है। 2 को प्रेस मीन्स कैसे कि जो रो और जो कॉलम के अंदर आता है उसको मैंने प्रेस करना है। तो मैंने इसको प्रेस कर दिया, क्या मिला मुझे, 4 दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे 2 की जगह पे 4 लिखना है। ओके, अब वापस फाइ की बात कर रहे हैं। फाइ कौन सी रो कौन सी कॉलम में आता है उसको प्रेस कर दो। तो क्या दिख रहा है हमको, 1 दिख रहा है, तो 1 को यहाँ पे लिख दो। सेम थिंग, 1 कौन सी रो कौन सी कॉलम में आता है उसको प्रेस कर दो। तो क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, तो 5 लिख दो यहाँ पे। ओके, उसके बाद 4 है, तो 4 कौन सी रो कौन सी कॉलम में इसमें आता है उसको प्रेस कर दो। क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 लिख दो। अब यहाँ पे क्या है कि साइन हमको कौन सी रखनी है वो आपको बता दो। देखो, 2x2 के लिए कौन सी साइन है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, तो इसके हिसाब से हमको यहाँ पे साइन रखना पड़ेगा। पहला प्लस है तो प्लस ही रखना है, दूसरे में माइनस, ये भी माइनस रख, देखो ये प्लस रखना है, ये माइनस, फिर ये माइनस और ये प्लस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके हिसाब से हमको को फैक्टर फाइंड करने के बाद हमको ये यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके, ये हमको ध्यान रखना है। तो कर दिया हमने, अब क्या करेंगे हम, तो सिंपल सी बात है, इसका को फैक्टर मिल गया। अब हम इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं कि भाई माइनस साइन का कोई, प्लस का कोई ज़रूरत नहीं होगा, तो लिख देते हैं 4 -1 -5 और 2, ये मिल गया। ये हमको क्या मिला, को फैक्टर मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे। अब ट्रांसपोज क्या है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या है, तो इसके ये जो मैट्रिक्स है उसका जो रो के फॉर्म में उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। मीन्स जैसे 4 और -1 है, तो ये 4 और -1, तो जो रो के फॉर्म में था उसको मैंने क्या कर दिया, कॉलम के फॉर्म में लिख दिया। -5 और 2 है, तो -5 एंड, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज कर दिया। तो ये जो ट्रांसपोज किया तो हमको क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डी जे और ए लिखते हैं एक्स से। ओके, सेम थिंग अब इसके अंदर करेंगे, टेकिंग को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो द को फैक्टर इज, को फैक्टर इज कौन से, क्या है को फैक्टर इसका देख लेते हैं। 7 प्रेस कर दो, क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 10। सेम ऐसे ही 8 प्रेस कर दो तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर 2 को प्रेस करो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और 10 को प्रेस करोगे तो 7 मिलेगा। ओके, अब ये जो साइन है वो सारी पुट कर देते हैं, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमको मिला को फैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब हमको क्या फाइंड करना है, क्या करना है उसके ऊपर, ट्रांसपोज करना है। तो टेकिंग ट्रांसपोज। ओके, तो ये मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो का कॉलम और कॉलम का रो में कन्वर्ट करना है। तो 10 -2 -8 और 7। ओके, तो देखो ये 10 -2 था, 10 -2 लिख दिया, -8 और 7 लिख दिया। ओके, अब आपको ये मालूम पड़ जाएगा। सेम थिंग 3x3 के अंदर होता है, पर लिटिल बिट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो उसके हिसाब से लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, द को फैक्टर इज, द को फैक्टर इज क्या होगा इसका, को फैक्टर इसका मैं लिख रहा हूँ, पूरा बड़ा बना दे रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ। यहाँ पे पहले से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला 1 है, तो 1 कौन सी रो और कौन सी कॉलम में आ रहा है वो चेक करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसको प्रेस कर दो, उसके बाद क्या मिला हमको, 2 5 4 1। तो यहाँ पे हमको लिखना है 2 5 4 1। ओके,
फर्स्ट टू मैंने प्रेस किया तो मुझे 2541 मिला। अब हम क्या प्रेस करेंगे, थ्री प्रेस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1532। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1532। वैसे ही करके मैं सारे फाइंड कर दूंगा, ये वन कौन सी रो कौन सी कॉलम, इसमें प्रेस कर देंगे 1234, 1234। ओके ये मैं ओके, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट रो था कंप्लीट हुआ। अब सेकंड रो की बारी है, तो फर्स्ट ये वन है, कौन सी रो कौन सी कॉलम में है, देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो उसको प्रेस कर दो, ये दोनों को प्रेस कर दो, ये मैंने प्रेस कर दिया। क्या दिख रहा है आपको, 3-1 और 4-2। ओके तो 3-1 एंड 4-2, 3-1 4-2। सेम थिंग, अब मैं 2 को लूँगा, ये इसको और इसको प्रेस करोगे क्या मिलेगा, 2-1 3-2, 2-1 2-1 3-2। ओके उसके बाद 5 को प्रेस करेंगे, मीन्स ये रो और ये कॉलम को प्रेस करना है, उसके बाद क्या दिखाई देगा, 2-3 3-4, 2-3 3-4। ओके उसके बाद यहाँ पे 3 कौन सी रो कौन सी कॉलम में, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो प्रेस कर दो, क्या दिख रहा है, 3-1 2-5, 3-1 2-5। ओके अब उसके बाद हमको क्या यहाँ पे 4 का देखना है, सेकंड कॉलम थर्ड रो, तो मीन्स 2-1 1-5, तो मीन्स 2-1 1-5, सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं, 2-1 1-5। ओके डन, उसके बाद 2 का देखते हैं, इसको प्रेस कर दो, इसको प्रेस कर दो, क्या दिख रहा है, 2-3 1-2, 2-3 1-2। ये क्यों आपको मैं प्रेस करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको डिजिट्स नहीं दिखाई देंगे इस वजह से। ओके ये ऐसे लिख देने का, उसके बाद हमको यहाँ पे साइन असाइन करना है, तो साइन कैसे असाइन करेंगे, 2x2 में ऐसा था तो 3x3 में कैसा होगा देख लेते हैं। तो देखो 3x3 में जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके हिसाब से हमको साइन रखना है। तो पहला कौन सा होगा, प्लस होगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। ओके तो सारे हमने लिख दिया, अब इसको सबको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 2x2 तो आपको सॉल्व करना आता ही है, कैसे करते हैं इसको, ऐसे 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20। ओके तो मीन्स 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20, तो आपको 2x2 तो सॉल्व करना आता ही है। अगर आपको नहीं आता तो मेरा डिटर्मिनेंट का इसके पहले वाला वीडियो आप देख लेना। ओके तो क्या होगा, माइनस 18, तो फर्स्ट हमको मिला माइनस 18, सेकंड यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का, तो 2 या बार माइनस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बार माइनस है, फिर 2 1 जा 2 माइनस 5 3 जा 15, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 13, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 13, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 13। ओके सेम थिंग इसमें भी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 4 1 जा 4 4, फिर माइनस 3 2 जा 6। ओके तो क्या मिलेगा हमको, माइनस 2 मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे मिला माइनस 2। ऐसे ही पूरा मैट्रिक्स में फाइंड कर दूंगा, देखो बार माइनस है ये याद रखना है आपको, ज़्यादातर बच्चे ये भूल जाते हैं कि बार माइनस होता है, 3 2 जा 6 माइनस 4, तो क्या होगा, माइनस 2, तो इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये माइनस 2। सेम यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3 क्या मिलता है, 1, तो ये 1 लिख दिया। उसके बाद इसको इसके मल्टीप्लाई, ये बार माइनस याद रखना है, ये बार माइनस है, 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, तो यहाँ पे देखो साइन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ध्यान रखना है, ये माइनस है, इनसाइड क्या बजेगा, 8 माइनस 9 कितना, माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 1 मिलेगा। एग्जाम में भी ज़्यादातर ऐसे ही आएंगे जो आपको माइनस और प्लस में कंफ्यूज कर रहे हैं। ओके उसके बाद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 3 जा 15 माइनस 2 2 जा 2 तो 13 मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 13 मिला। यहाँ पे 5 2 जा 10 यहाँ पे माइनस साइन बार है, 5 2 जा 10 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 9, तो ये माइनस 9 आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 2 जा 4 4 माइनस 3 तो क्या मिलेगा, 1, ये 1 मिलेगा। तो ये जो हमको मिला,
ये जो हमको मिला ये हमारा क्या है, कोफैक्टर है। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और हमको एडजॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करें इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, टेकिंग टेकिंग ट्रांसपोज। ओके, मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो गया, मुझे एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो आपको ये कहाँ पे काम में आएगा, तो ये है ना, एक तो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि भाई फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और सेकंड क्या होता है कि डिटर्मिनेंट का जो मैं इसके पहले वाला वीडियो और ये वाला, ये दोनों एक नेक्स्ट मेथड है, उसके बाद जो इनवर्स मेथड है उसके अंदर काम में आएगा। तो वो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला वीडियो देखोगे तभी आपके इसके बाद वाली मेथड आएगी। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो देख लेना है। तो अब देखो यहाँ पे टेकिंग ट्रांसपोज बोल रहा है, हम टेकिंग ट्रांसपोज तो रो का कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो ये माइनस 18 है, फिर ये 13 है और ये माइनस 2 है। देखो ये जो जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था इसको मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया, फिर यहाँ पे माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 1 13 माइनस 9 1। ओके, ये हमको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल गया। यहाँ पे अगर बाय चांस ऐसा हो कि कहीं प्लस माइनस का ऐसा गलती हो जाए तो आपको उसको करेक्शन कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।